हमारे पति को जेल भिजवाएंगी, हम भी देखते हैं कि आपका पूजा का क्या फल मिलता है गंगा भाभी। आप कहीं नहीं जा रहे हैं सागर जी, हम सब मिलकर आपका खोया हुआ पत्नी और आपका बेटी को ढूंढेंगे, ठीक है ना गंगा? आज ही पेपर बनाओ, उस घर में आज का दिन शिव भाई साहब का आखिरी दिन होना चाहिए। इस वसीयत के अनुसार ये सारी संपत्ति और उससे जुड़े हुए सभी अधिकार प्रताप जी के नाम पर रहेंगे। क्या मैं एक बार पढ़ सकता हूँ? दीजिए दीजिए, आप देखिए। गंगा, हम ही सब कुछ प्रताप को सौंप कर यहाँ से जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलेंगे ना? जहाँ शिव जाएंगे गंगा भी वहीं बहेगी। आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वसीयत नकली है। शिव, मैं इस वसीयत को चैलेंज करूंगा और ऐसा ही होना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो वकील साहब, राम जैसा हमारा बड़ा बेटा शिव को वनवास जाते हुए हम नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। शिव बेटा, तुम कहीं नहीं जाओगे, सुन लियो ना, कहीं नहीं जाओगे तुम। गंगा, इस शिव तो भावुक होके फैसला ले लिया, लेकिन तुम तो एक रोक सकती थी ना, समान अंदर ले जाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा। बड़ा मठाधीश महेंद्र जी का पति होने के नाते ही हमारा आदेश है, जाओ अंदर। और अगर हमारा आदेश नहीं माना गया ना, तो हम अपना प्राण दे देंगे। माँ, एक ऐसी बातें कर रही हैं। माँ देखिए, अब ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं तो हम रुक जाते हैं। अगर तुम्हारे माँ जी के गुण मुझ में होते ना, तो आज हमारी जिंदगी कुछ और ही हो जाती है ना। अपना मुंह बंद रखेंगे आप? आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब। बहुत बड़ा मदद किए हैं आप हमारा इस वसीयत का असलियत बताकर, वरना आजकल का दुनिया में कौन करता है। कर्जदार हो गए आज आपके हम, पता नहीं काहे हमको लगता है कि कोनो रिश्ता है आपका और हमारा, कोनो धागा है जो आपको और हमको एक साथ बांधे हुए है। हो सकता है, मगर कोई एहसान नहीं किया मैंने आप पर, एक वकील हूं, वही किया जो एक अच्छे वकील को करना चाहिए। अब हम वो करेंगे जो हमको करना चाहिए, आपका खोया हुआ पत्नी और आपका खोया हुआ बेटी को जब तक ढूंढ नहीं लेते, तब तक हम चैन का सांस नहीं लेंगे। ये वादा है हमारा, शिव झा का वादा हमसे। ये अंगूठी हमेशा तुम्हें हमारे पास होने का एहसास दिलाती रहेगी, इसे कभी अपने से अलग मत करना। तेरी यादों के अलावा मेरे पास सिर्फ तेरी यही एक निशानी बची है गंगा, ये अंगूठी तूने ही दी थी मुझे। थैंक यू सो मच, ये बहुत कीमती है मेरे लिए, मेरी पत्नी की निशानी। फिक्र मत करो,
हमारी पत्नी जल्दी मिल जाएगी, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। बेटा आधे घंटे में खाना लग जाएगा, तुम नीचे आ जाना, ठीक है? जी। कदम उठाए से पहले कम से कम एक बार हमसे पूछ लिया होता। हाँ पता नहीं काका करते रहते हो, पहले वो लड़की का कांड किया और अभी बसियत का नाटक, अकल बेच खाए होगा। अरे तुम्हारा भविष्य सुधारने के लिए हम काका नहीं करते, तुम हो कि हर बात पर पानी फेरते रहते हो। बेकार का बाप मत कीजिए माँ, आपने जो किया है ना देख लिया हमने। शिव जा रहा था घर छोड़कर पर आपने रोक लिया, क्यों? अचानक ममता जाग गई सीने में। क्या करते हम, क्या करते? अगर सिप को नहीं रोकते ना तो तुमरे साथ हम भी फंस जाते, है कि गांव वाला हमरे खिलाफ हो जाता। हम सही कदम उठाए हैं प्रताप, पर तुमरा समझ में नहीं आएगा, है कि मनमानी करे का आदत पड़ गया है तुमको। हमें क्या करना का नहीं आप मत बताइए, हमें अपनी सलाह की हमको कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बात करोगे हमसे? अपराध का सजा दे रहे तुमको, हमरा पास चले रहा तो तुम्हारा जान ले ले हो। लेकिन क्या करें, माँ है ना, औलाद हो कपूत से ही कैसे मार दे। काहे ऐसा काम कर तो प्रताप, जिससे उससे दुनिया वालों का नजरों में और महान बन जाता है और तुम और नालायक और निकम्मा। अरे अपना दिमाग नहीं चलता तो हमसे पूछ लिया करो, सुन लो हमरा बात। आप कोई बेवकूफी नहीं करोगे तुम। चला गया फाइल? शायद मुनीन जी हिसाब वाला फाइल देना भूल गए, वापिस जाकर लेना होगा। Thank you.
मुनीम जी फाइल कहाँ रख दिए? सागर जी ने जो फोटो दिया था वो तो यहां भी नहीं है। मुनीम जी से पूछना पड़ेगा, कहीं वो अपने साथ तो नहीं ले गए। हाँ गंगा बोलिए। शिव कहाँ हो तुम? जो घर पे मेहमान आए हुए हैं वो कह रहे हैं कि वो तुम्हारे साथ ही खाना खाएंगे। पहले तो उन्होंने हाँ कह दिया, उसके बाद दाई माँ से कहलवाया कि जब शिव आ जाएंगे उनके साथ ही खाऊंगा। देखिए गंगा, अभी हम मटका ऑफिस में एक फाइल लेने के लिए यहाँ पर आए थे। आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ ही देर में घर पहुँच जाएंगे, ठीक है? जल्दी आना। हाँ सा लग रहा है, मानो हमारे अतीत से जुड़ी कोई बात, कोई चेहरा हमारे आसपास ही है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, या शायद हम उसे पहचान नहीं पा रहे। अचानक आने से आप चौंक गई, पानी खत्म हो गया था रूम में तो चाहिए था। आसपास आता है हमें बेचैनी से क्यों होने लगती है? आप ठीक तो हैं? पानी मिलेगा प्लीज? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी वो पानी लेने आया था मैं। आप
घर में इतना सारा नौकर चाकर है, अगर पानी चाहिए था तो उनको बोल देते, आप काहे तकलीफ किए। हमारे यहाँ मर्द रसोई में नहीं आते, बाहर का काम देखते हैं, और खासकर पराया मर्द तो अपना कमरा से बाहर भी नहीं आते। I'm sorry. गंगा, तुम्हारा काम हो गया हो तो सबका भोजन लगवा दो। जानती हो ना, आधा रात के बाद उपवास शुरू हो जाएगा। अब तो हमने रिपोर्ट छुपा ली है, अब किसी को नहीं पता चलेगा कि हम पेट पे नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कुछ फुना नहीं इन्होंने, नहीं तो अभी हंगामा कर देती। माँ ने कुछ खास दवाई मंगवाई थी आपके लिए, दूध में मिला थी, पी लीजिए, आपके बच्चे के लिए काफी अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद रिया दीदी। थोड़ा कमजोरी है ना रिया दीदी, है ना कि आजकल बहुत कमजोरी सा लगने लगा है, है ना। देखिए इसमें थोड़े मेवे काट के डाल देंगी, हमारा क्या है, हम भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन इसके लिए तो अच्छी खुराक की जरूरत है ना। मधु का फोन है। हाँ मधु, कहाँ बोल रही हो? माँ तुम्हें तंग कर रही है, तंग कर रही है कि टांग रही है? अरे हमारे पास बहुत बड़ा फार्मूला है, जैसे हम झूठ बोल रहे हैं कि हम पेट पे हैं, तुम भी झूठ बोल दो। अरे हम बता रहे हैं, 3-4 महीने ऐसे लमलेट होकर आराम से जिंदगी कटेगी ना, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, एक हाथी के बाल में बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। ये लीजिए, ड्राई फ्रूट्स मिला दिए। पीते हैं, पीते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये झुमकी भाभी के तेवर कुछ पतले पतले से लग रहे हैं। अब तो पता करना पड़ेगा कि बात है क्या। गंगा बहू, खीर भी तो परोस दो, और थोड़ा जल्दी करो, कहकी के बाद हम औरतन को भी तो खाना है ना। अरे अरे रुके 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 रुके, हम पहुंच देते हैं। कोई बात, माफ कीजिएगा बहू, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो बोल दो, हम परोस देंगे। क्या हुआ गंगा, आपका तबीयत तो ठीक है ना? सागर जी, आप हमारा पत्नी का एक खीर खाकर देखिए, ये सब भूल जाएंगे आप। इतना स्वादिष्ट खीर कभी नहीं खाए होंगे। चखिए। तू जानती अच्छे से कि मुझे खीर बहुत पसंद है, लेकिन ये 4 कटोरियां। अरे इन 4 कटोरियों में से चख के बताओ कि कौन सी खीर हमने बनाई, बोलो पहचान पाओगे? 4 क्या, 400 कटोरियां भी हो ना तो भी पहचान लूंगा कि कौन से में मेरे गंगा की हाथ की बनाई हुई खीर है। चलो फिर टेस्ट करो और बताओ।
लास्ट। दिमाग चकरा गया ना? बिल्कुल नहीं, कहा था ना मैंने पहचान लूंगा। तो बताओ कौन सी बनाई है हमने? चारों। यस, चारों कटोरियों में मेरे गंगा के हाथ की बनाई हुई खीर है। अच्छा अभी ये बता, ये सब क्यों? मेरा टेस्ट ले रही थी तू? तुम्हें खूब सारी खीर खिलाने का मन किया इसीलिए। कोई आ जाए तो छोड़ो। देखा, तेरा दिल भी यही चाहता है कि मैं तेरे पास रहूं, और तेरी आंखें ये कह रही हैं कि काश जिंदगी भर अपने सागर के भाव में कैद रहूं मैं। क्या हुआ, आंख हो गया? अरे खाइए ना खीर। आओ, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। कोनो बात नहीं, खाइए खीर खाइए। वो कहा है ना कि अगर खीर ठंडा हो जाए तो उतना स्वाद नहीं लगता। हुआ सागर जी? नहीं ठीक हूँ। आपका चेहरे से लगता है कि खीर पसंद नहीं आया आपको। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए तो हम चक्कर देखते हैं। गंगा, ये खीर में तो नमक है। क्या हुआ बहू, काम में मन नहीं लग रहा है का? जो चीनी की जगह नमक डाल दी? कोनो बात नहीं माँ, कभी कभी गलती हो जाता है, गलती से नमक पड़ गया होगा। दूसरा लेकर आते। ठीक है। नमक वाली खीर भी बिना शिकायत किए क्यों खा रहा था वो मेहमान? क्यों उसके आसपास होने पर हम बेचैन हो जाते हैं? क्यों ये अजीब और धुंधली तस्वीरें दिखाई देती हैं हमें? सागर जी, नमक वाली खीर क्यों खा रहा था मैं?
क्यों उस खीर में जाना पहचाना स्वाद ढूंढ रहा था? क्यों वो खीर मेरी गंगा के हाथ की ना होकर भी मुझे उसकी याद दिला रही थी? उन दोनों को वक्त ने एक दूसरे से अलग किया है गंगा, लेकिन तू देखना वक्त ही मुझे तेरे पास लेकर आएगा। अब तो बस उस घड़ी का इंतजार है मुझे जब तू मेरे साथ मेरे पास होगी। अजनबी मेहमान, उसकी बातें हमें इतना परेशान क्यों कर रही हैं? उसका वो चुपचाप नमक वाली खीर खा लेना, और उसके हाथ की वो अंगूठी, उस अंगूठी से हमारा क्या लेना देना है? क्यों उस अंगूठी को हमें देखकर लग रहा है जैसे पहले भी उस अंगूठी को हम कहीं देख चुके हैं? वो चेहरा, वो आवाजें, वो हाथ, सब कहीं हमारे बीते हुए कल से जुड़ा हुआ तो नहीं है? क्या करें? हमें अभी जाकर ये सब शिव को बताना चाहिए। शिव, कहाँ हुआ गंगा? कल निर्जला उपवास है और आप अब तक कुछ खाए नहीं। माँ भी कितना परेशान है। हमें बिल्कुल भूख नहीं है शिव। का तबीयत तो ठीक है ना आपका? हाँ, तबीयत तो ठीक है, लेकिन किचन में काम करते हुए पता नहीं क्यों बहुत बेचैनी हो रही थी। खाना परोसते समय भी बहुत अजीब सा लग रहा था। वही धुंधली सी तस्वीरें बार बार आंखों के सामने घूम रही थी, और किसी की आवाज भी। ऐसा लगा कोई हमारा नाम लेकर हमें बुला रहा है। जरूर हमारे बीते हुए कल से जुड़ी बातें होंगी, लेकिन हमें कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं। गंगा, अब एक काम कीजिए, आप यहाँ आराम से बैठिए। देखिए गंगा, आपके सर पर चोट लगा था, हो सकता है कि इसलिए सब कुछ हो रहा हो। और ज्यादा सोचिए मत, वरना बेचैनी और ज्यादा बढ़ेगा। आपका हालत देखकर लगता है कि आपको दवाई लेना चाहिए, शायद थोड़ा आराम मिले। नहीं नहीं, दवा की कोई जरूरत नहीं है। हम अच्छे से आराम करेंगे, रात को कल सुबह तक ठीक हो जाएंगे। अरे खाली पेट नींद थोड़ी ना आएगा आपको। हम अभी जाते हैं, खाना और दवा लेकर आते हैं, ठीक है? नहीं शिव, हम नहीं खाएंगे खाना, सच में बिल्कुल भूख नहीं है। हम आपका कोई बात नहीं सुनेंगे, आप चुपचाप यहाँ पर बैठिए, हम आपके लिए खाना और दवा लेकर आते हैं। चुप। तेरी प्रतीक्षा का इंतजार तो खत्म होकर ही रहेगा बेटा, लेकिन तुझे इसके लिए परीक्षा देनी होगी। साधु ने कहा था कि इंतजार खत्म होगा। आपका खोया हुआ पत्नी और आपका खोया हुआ बेटी को जब तक ढूंढ नहीं लेते, तब तक हम चैन का सांस नहीं लेंगे। शिव ने भी कहा है वो गंगा को ढूंढने में मेरी मदद करेगा। कब आएगा वो दिन गंगा? अब मेरी हर सांस कह रही है कि तू मेरे पास ही है, मेरा हर कदम तेरी तरफ बढ़ रहा है। पराये और अनजान लोग मेरी मदद करना चाहते हैं। I'm sure गंगा, बहुत जल्द मैं तुझ तक पहुंचूंगा, बहुत जल्द। चलिए उठिए, खाना खा लीजिए, आइए। अरे तुम खुद क्यों खाना लेकर आ गए? अरे आइए आप यहाँ आराम से बैठे। वो क्या है ना कि आपका ख्याल रखना हमें बहुत अच्छा लगता है। ये लीजिए। मैं सच में भूख नहीं है शिव। गंगा, हम कह रहे हैं ना, चुपचाप खाना खाइए, पहले खाना खाइए उसके बाद में दवा खाइए। खाली पेट वैसे भी दवा नहीं खाते। चलिए चलिए चलिए, मुँह खोलिए। Thank you.
पी लीजिए। दवा शिव को अपनी पत्नी की कितनी फिक्र है, कितना ख्याल रखते हैं वो। बहुत खुशकिस्मत है ये लड़की जिसे शिव जैसा हस्बैंड मिला।